नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। कास क्लासेज में हम लास्ट वीडियो में सीमा रेखा के पॉइंट की बात कर रहे थे, आज उसी सीमा रेखा में हम आगे बढ़ते हैं। कल हमने नॉर्मल इंट्रोडक्शन किया था अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं का, आज उन्हीं सीमा रेखाओं के बारे में और कुछ समझते हैं कि कौन से देशों के बीच में कौन सी सीमा रेखा कब कैसे और किसने खींची थी, किसके नेतृत्व में खींची गई थी, आइए जानते हैं। कल सीमा रेखा में हमने आपसे बताया था कि भारत के साथ में 7 देश हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन बनाते हैं, परंतु उन 7 देशों के साथ में भारत के 17 राज्य लगते हैं। 17 राज्य भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा 7 देशों के साथ में बनाते हैं। इन सभी का हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम सीमा रेखाओं के बारे में बात करेंगे, किसने कौन सी सीमा रेखा कब और कैसे खींची थी। देखें, ऐसा मान लेते हैं कि अपने पास में उत्तर भारत है, क्योंकि सीमा रेखा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं के अंदर उत्तर भारत का ही जिक्र होगा, जिसमें सबसे पहले नाम आता है हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का। कल हमने आपसे बताया था कि पाकिस्तान भारत के साथ में 33 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाता है। कल हमने आपसे पिछली वीडियो में यह भी जिक्र किया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा है। देखें, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जानते हैं? रेडक्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। ये रेडक्लिफ रेखा जो 15 अगस्त 1947 के अंदर सर जॉन रेडक्लिफ के नेतृत्व में खींची थी। आप सभी को मालूम है कि ये हमारे पास में एक पाकिस्तान है, हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। ये हमारा एक पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश है। बांग्लादेश जिसे पहले किस नाम से जानते थे, तो आप याद रखिएगा, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से बांग्लादेश को जाना जाता था। बांग्लादेश 1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। ये पाकिस्तान हमारे पास में पश्चिमी पाकिस्तान हुआ करता था, लेकिन भारत और पाकिस्तान युद्ध के पश्चात, 1971 के युद्ध के पश्चात, ये पूर्वी पाकिस्तान क्या बन गया था? बांग्लादेश बन गया था। लेकिन पूर्वी पाकिस्तान कब बना था? तो घटना है 1947 की, जब बंगाल का दूसरी बार विभाजन हुआ। आप सभी को मालूम है कि बंगाल का पहली बार विभाजन 1905 में, लेकिन वो बंगाल विभाजन रद्द हो गया 1911 में। लेकिन बंगाल का दूसरी बार विभाजन हुआ, बंगाल का दूसरी बार विभाजन हुआ 1947 में। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। एक पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल जो भारत के पास में है, एक पूर्वी बंगाल, लेकिन पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना गया 1947 में। आइए हम बात करते हैं कि रेडक्लिफ रेखा कब, कैसे और किसने खींची थी। भारत और पाकिस्तान पहले एक संयुक्त राष्ट्र हुआ करते थे। पाकिस्तान हिंदुस्तान का क्षेत्र था, यहां पर ब्रिटिश हुकूमत हुआ करती थी। स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध 1857 की क्रांति से शुरुआत हुआ। अब 1857 की क्रांति के बाद में अंग्रेजों को भी पता लग गया था कि भारत पर राज करना नामुमकिन सा हो गया है। धीरे धीरे क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी, अंग्रेजों के नाक में पूरा तरीके से दम कर दिया था। लेकिन हम बात करें भारत और पाकिस्तान की, भारत और पाकिस्तान 1947 में बने थे दोनों राष्ट्र। इससे पहले पूरा एक हिंदुस्तान हुआ करता था। लेकिन इससे पहले हम आपसे बता दें, 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। मुस्लिम लीग, जिसकी स्थापना 1906 में हुई थी, ये मुस्लिम लीग के सदस्य जो अलग से देश की मांग कर रहे थे, और कांग्रेस के सदस्य थे जो हिंदुस्तान को भारत को चाहते थे। लेकिन एक टाइम ऐसा आया था कि ब्रिटिश हुकूमत के नाक में दम हो गया था। ब्रिटिश सरकार सोचने लगी थी कि हम हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा अधिक समय तक नहीं जमा रख सकते,
लेकिन हम भारत को एक राष्ट्र के रूप में स्वतंत्र भी नहीं कर सकते, ये ब्रिटिश सरकार की सोच हुआ करती थी। ब्रिटिश सरकार ये सोचती थी कि यदि हम भारत के ऊपर से अपना अधिकार हटाएंगे तो यहां से दो राष्ट्र उभर कर आएंगे, एक राष्ट्र जिसका नाम भारत होगा और एक राष्ट्र जिसका नाम पाकिस्तान होगा। भारत और पाकिस्तान अलग हुए 15 अगस्त 1947 में, लेकिन इसकी घोषणा लॉर्ड माउंटबेटन ने 18 जुलाई 1947 में कर दी थी। 18 जुलाई 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ने घोषणा कर दी कि हम हिंदुस्तान को स्वतंत्र कर देंगे, लेकिन उससे एक राष्ट्र बस हिंदुस्तान ही नहीं होगा, उससे एक पाकिस्तान बनेगा, एक का नाम होगा पश्चिमी पाकिस्तान, एक का नाम होगा पूर्वी पाकिस्तान, और बीच में जो राष्ट्र होगा उसका नाम होगा भारत। अब ये सब डिसाइड हो जाता है 18 जुलाई 1947 को कि भारत स्वतंत्र होगा 15 अगस्त 1947 को, जिसमें पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान बनेगा। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये था कि पूर्वी पाकिस्तान और भारत के मध्य और पश्चिमी पाकिस्तान और भारत के मध्य सीमा रेखा खींचेगा कौन। तो लॉर्ड माउंटबेटन के निजी सचिव, लॉर्ड माउंटबेटन के एक निजी सचिव थे, उन्होंने सर जॉन रेडक्लिफ का नाम सुझाया था। याद रखिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन के एक निजी सचिव थे, उन्होंने सर जॉन रेडक्लिफ का नाम सुझाया था। सर जॉन रेडक्लिफ उस समय लंदन में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, उन्होंने कानून की अच्छी पकड़ बना रखी थी, कानून के अच्छे ज्ञाता हुआ करते थे सर जॉन रेडक्लिफ। अब सर जॉन रेडक्लिफ के पास में मैसेज गया कि ऐसे ऐसे भारत से एक स्वतंत्र राष्ट्र, भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बनेगा, उससे दो राष्ट्र अलग होंगे जिसमें नाम आता है पूर्वी पाकिस्तान का और जिसमें नाम आता है पश्चिमी पाकिस्तान का, उनके बीच में आपको सीमा रेखा खींचनी है। उस सीमा रेखा खींचने के लिए सर जॉन रेडक्लिफ को 5,000 पाउंड रुपए की धनराशि भी देना तय हुआ। अब लॉर्ड माउंटबेटन के बाद में मोहम्मद अली जिन्ना और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी सर जॉन रेडक्लिफ के नाम पर मोहर लगा दी थी कि ये व्यक्ति है जो दोनों देशों के बीच में सीमा रेखा का कार्य किया करेगा। उसके बाद में सर जॉन रेडक्लिफ को लंदन से भारत बुलाया गया। 18 जुलाई 1947 में घोषणा हो चुकी थी, टाइम बहुत कम था दोनों देशों के बीच में सीमा रेखा कार्य करने का। तो यहां पर जैसे ही रेडक्लिफ पहुंचते हैं, रेडक्लिफ महोदय ने आते ही एक रेडक्लिफ आयोग का गठन किया। रेडक्लिफ आयोग का गठन इसलिए किया था क्योंकि पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण करना था। अब जैसे ही रेडक्लिफ आयोग का गठन हुआ, रेडक्लिफ आयोग ने दो कमीशन, दो आयोग और बनाए, एक पश्चिमी पाकिस्तान बनाने के लिए और एक पूर्वी पाकिस्तान बनाने के लिए। पूर्वी पाकिस्तान बनाने के लिए जो आयोग बना था वो याद रखेगा बंगाल बाउंड्री कमीशन बना था, बंगाल बाउंड्री आयोग। और पश्चिमी पाकिस्तान बनाने के लिए कौन सा आयोग बना था, तो आप याद रखिएगा पंजाब बाउंड्री कमीशन। रेडक्लिफ महोदय ने एक आयोग बनाया, रेडक्लिफ आयोग। उस रेडक्लिफ आयोग के तहत ही दो आयोग और बनाए गए, पूर्वी पाकिस्तान बनाने के लिए बंगाल बाउंड्री कमीशन और पश्चिमी पाकिस्तान बनाने के लिए पंजाब बाउंड्री कमीशन। पंजाब बाउंड्री कमीशन में दो मुस्लिम लीग के सदस्य लिए गए और पंजाब बाउंड्री कमीशन में दो कांग्रेस के सदस्य लिए गए। बंगाल बाउंड्री कमीशन में दो मुस्लिम लीग के सदस्य लिए गए और बंगाल बाउंड्री कमीशन में दो ही कांग्रेस के सदस्य नामित किए गए। ये सभी सदस्य नॉर्मल सदस्य नहीं थे, ये सभी सदस्य हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे। टाइम बहुत कम था, दोनों देशों के बीच में सीमा रेखा खींचनी थी। मुस्लिम लीग वाले पाकिस्तान की मांग करते थे, पाकिस्तान के क्षेत्र में ज्यादा क्षेत्र चाहते थे, अधिकार चाहते थे, और ऐसा ही कांग्रेस के सदस्य थे जो अपना क्षेत्र देना नहीं चाहते थे। तो पंजाब बाउंड्री कमीशन और बंगाल बाउंड्री कमीशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के सदस्यों में आपसी तालमेल नहीं बन रहा था। घटना है 6 अगस्त 1947 की, कलकत्ता के अंदर एक मीटिंग संपन्न हुई, उसमें रेडक्लिफ महोदय ने पंजाब बाउंड्री कमीशन और बंगाल बाउंड्री कमीशन के सदस्यों से पूछा कि आपका कार्य कहां तक पहुंच गया है। अब दोनों कमीशन के सदस्यों की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला कि ये कार्य हम कहां तक कर चुके हैं, क्योंकि उन दोनों सदस्यों के अंदर
मुस्लिम लीग के सदस्य और कांग्रेस के सदस्यों में आपसी तालमेल ही नहीं बन रहा था। तो उनका कार्य अभी चला ही नहीं था, अभी से उसकी शुरुआत ही नहीं हुई थी, क्योंकि मुस्लिम लीग वाले पाकिस्तान के क्षेत्र ज्यादा चाहते थे, कांग्रेस वाले उस क्षेत्र को देना नहीं चाहते थे। एक टाइम ऐसा आया कि सर जॉन रेडक्लिफ ने एक मैप उठाया और उस मैप के ऊपर रेखा खींच दी, और वो रेखा, वो घटना है 14 अगस्त 1947 की। 14 अगस्त 1947 में जैसे ही इन दोनों देशों के बीच में एक मैप के ऊपर सीमा रेखा खींची गई, दोनों देशों के बीच में भारी विरोध प्रदर्शन हुआ। भारी विरोध प्रदर्शन किसके मध्य हुआ, सॉरी किसके लिए हुआ, तो याद रखिएगा सर जॉन रेडक्लिफ के लिए हुआ। सर जॉन रेडक्लिफ 14 अगस्त 1947 वाली रात को भारत छोड़कर चले जाते हैं और 1 अप्रैल 1977 में लंदन के अंदर सर जॉन रेडक्लिफ की डेथ हो जाती है। सर जॉन रेडक्लिफ ने जैसे ही सीमा रेखा का कार्य किया था, भारत जो पहले हिंदुस्तान हुआ करता था वो 3 राष्ट्रों के अंदर बट गया था। एक पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, एक हुआ करता था पश्चिमी पाकिस्तान, और एक हुआ करता था कौन सा, भारत हुआ करता था। यहां से सीमा रेखा खींची गई रेडक्लिफ रेखा, और यहां से भी रेडक्लिफ रेखा कमीशन के तहत ही रेखा खींची गई बंगाल के बीचों बीच में, एक पश्चिम बंगाल जो भारत के पास में आ गया, पूर्वी बंगाल जो पूर्वी पाकिस्तान बन गया 1947 में। सर जॉन रेडक्लिफ का भारी मात्रा में विरोध होने लगा। 1947 में उस समय लाखों लोग बेघर हो गए थे, करोड़ों की संख्या में लोग मारे गए थे। आपने एक मूवी देखी होगी जिसका नाम था गदर एक प्रेम कथा। गदर एक प्रेम कथा जिसमें अभिनेता सनी देओल है, उसी तरह का सीन बना था 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। लेकिन भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ वो कौन सी रेखा के तहत हुआ, रेडक्लिफ रेखा, और वो रेडक्लिफ रेखा किसने खींची थी, सर जॉन रेडक्लिफ ने वो रेडक्लिफ रेखा खींची थी। उसके बाद में अब क्वेश्चन ये बनता है, सर जॉन रेडक्लिफ 14 अगस्त 1947 वाली रात को भारत छोड़कर चले जाते हैं, कहां पर चले जाते हैं, अपने स्वदेश लौट जाते हैं लंदन के अंदर। लेकिन लंदन में कुछ समय के बाद में उनके ऊपर एक नाटक का रूपांतरण किया गया। नाटक में एक व्यक्ति सर जॉन रेडक्लिफ से पूछता है कि आपने पंजाब बाउंड्री कमीशन में जो रेडक्लिफ रेखा खींची है वो तो फिरोजपुर की रेलवे लाइन है। एक व्यक्ति सर जॉन रेडक्लिफ से पूछता है कि आपने पंजाब बाउंड्री कमीशन में जो सीमा रेखा खींची है वो तो फिरोजपुर की रेलवे लाइन है, क्या एक रेल भारत में चलेगी, एक रेल पाकिस्तान में चलेगी। सर जॉन रेडक्लिफ नक्शे से, मैप से रेखा को मिटाते हुए कहते हैं कि इस रेखा को थोड़ा सा दक्षिण में कर दीजिए। फिर वही व्यक्ति सर जॉन रेडक्लिफ से क्वेश्चन करता है कि दक्षिण में करेंगे तो हिंदुओं के खेत है। फिर सर जॉन रेडक्लिफ मैप से रेखा को मिटाते हुए कहता है कि इस रेखा को थोड़ा सा उत्तर में कर दीजिए। तो हम यहां से अनुमान लगा सकते हैं कि सर जॉन रेडक्लिफ ने ये रेखा किस प्रकार से खींची होगी। यदि ये रेखा इस प्रकार से जा रही है, यहां पर कोई गांव आता है तो इस रेखा को पाकिस्तान की तरफ किया गया था, उसके बाद में थोड़ा सा आगे बढ़ा और पाकिस्तान की तरफ कोई गांव आता है तो इस रेखा को भारत के अंदर एंट्री करवाई गई थी, इस प्रकार से रेखा खींची गई थी। लेकिन जब लंदन के अंदर सर जॉन रेडक्लिफ चले जाते हैं, भारत और पाकिस्तान में इस व्यक्ति का काफी मात्रा में विरोध हो रहा था। उसी दौरान लंदन के अंदर सर जॉन रेडक्लिफ से कोई भी सदस्य नहीं मिल सकते थे, कुछ गणमान्य सदस्य ही थे जो सर जॉन रेडक्लिफ से मिले थे। उन गणमान्य सदस्यों के अंदर एक सदस्य हुआ करता था भारत का। 1947 में भारत के वरिष्ठ पत्रकार हुआ करते थे कुलदीप नैयर। कुलदीप नैयर जो सर जॉन रेडक्लिफ को अच्छे तरीके से जानते थे और 1947 के बाद में सर जॉन रेडक्लिफ से मिले थे। कुलदीप नैयर और सर जॉन रेडक्लिफ के बीच में काफी मात्रा में बातें होती हैं और वो बातें हकीकत दर्शाती है। कुलदीप नैयर फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है सर जॉन रेडक्लिफ से कि आपको 5,000 पौंड राशि लेनी थी, वो आपने नहीं ली, क्योंकि वो आपकी फीस है जो आपने सीमा रेखा खींची है उसकी। तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई भी फीस नहीं चाहिए, मैं काफी दुखी हूं क्योंकि लाखों लोग बेघर हो गए, करोड़ों की संख्या में लोग मारे गए हैं, तो इस बात का मुझे भी खेद है। उसके बाद में अपने आप वो व्यक्ति दर्शाता है सर जॉन रेडक्लिफ। सर जॉन रेडक्लिफ अपने आप से कहता है, किससे, कुलदीप नैयर के सामने बातें रखता है कि पाकिस्तान वालों को खुश होना चाहिए, पाकिस्तान वालों को खुश होना चाहिए। खुश क्यों होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के कब्जे में कोई भी बड़ा शहर नहीं आ रहा था, उसके बावजूद भी हमने पाकिस्तान को लाहौर दिया,
हालांकि लाहौर में हिंदुओं की संपत्ति ज्यादा थी, लेकिन पाकिस्तान के कब्जे में कोई भी बड़ा शहर नहीं आ रहा था। उसके बावजूद भी हमने पाकिस्तान को लाहौर दिया, तो इसलिए पाकिस्तान वालों को तो खुश होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान वाले भी हमारा विरोध कर रहे हैं। ये कुलदीप नैयर और सर जॉन रेडक्लिफ के मध्य की बातें हैं। अब 15 अगस्त 1947 में भारत और पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र बन चुके थे, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान, और एक हुआ करता था भारत हुआ करता था। अब भारत और पाकिस्तान के मध्य ये सभी को पता लग गया कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है उस सीमा रेखा का नाम क्या है, रेडक्लिफ रेखा। लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कच्छ का रण। कच्छ का रण जो विवाद है, कच्छ का रण विवाद कौन से दो देशों के मध्य है, तो कच्छ का रण विवाद भारत और पाकिस्तान के मध्य है। 1947 में जैसे ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ 1947 में, उस समय कांग्रेस के सदस्यों ने यह बता दिया था कि गुजरात का जो क्षेत्र है, ये सारा क्षेत्र ये दलदली क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र है। उसके बावजूद इस सीमा रेखा को इस प्रकार से खींचा गया था, यहां से इस प्रकार से इस सीमा रेखा को खींचा गया था, थोड़ा सा ऊपर से इस सीमा रेखा को खींचा गया था। लेकिन जैसे ही रेडक्लिफ रेखा खींच चुकी थी 1947 के बाद में, सर जॉन रेडक्लिफ के नेतृत्व में 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो चुका था। विभाजन के तुरंत पश्चात पाकिस्तान वालों को कच्छ के रण के ऊपर दिक्कत होने लगा। पाकिस्तान वाले कच्छ के रण के ऊपर कहते थे कि भारत हमें पागल बनाता है, हमारे साथ में धोखा करता है, ये एक दलदली क्षेत्र नहीं है, ये एक सथल रुद्र सागर है, लैंड लोकड एरिया है। पाकिस्तान का ये कहना था, सुनिएगा फिर से, पाकिस्तान ये कहता था कि भारत हमें पागल बनाता है, भारत हमें धोखा दे रहा है, ये एक दलदली क्षेत्र नहीं है, ये एक सथल रुद्र सागर है जिसके चारों तरफ जमीन लुगी हुई है, वो सागर है, ये लैंड लोकड सी है, इस प्रकार का क्षेत्र है। और पाकिस्तान ये कहता था कि यदि ये हकीकत में सथल रुद्र सागर है तो भारत और पाकिस्तान अपने बीच में आधा आधा बांट ले। लेकिन भारत ये कहता था कि कच्छ का रण क्षेत्र हमेशा से गुजरात का हिस्सा रहा है और वो किसी भी मूल्य के आधार पर कच्छ के रण के क्षेत्र को देना नहीं चाहता था। लेकिन पाकिस्तान वाले कच्छ के रण के क्षेत्र के 9,065 वर्ग किलोमीटर के ऊपर अपना अधिकार जताते थे। भारत इस क्षेत्र को देना नहीं चाहता था, पाकिस्तान वाले इस क्षेत्र को लेना चाहते थे, अपना अधिकार जताना चाहते थे। तो पाकिस्तान वाले कभी कभी क्या करने लगे, पाकिस्तानी सैनिक यहां से घुसपैठ करने लगे। एक टाइम ऐसा आया, घटना है 1965 की, कच्छ के रण के अंदर गुजरात पुलिस या जो भी उस समय हमारी पुलिस फोर्स हुआ करती थी उसकी चौकियां थी, पाकिस्तानी सैनिकों ने उन चौकियों के ऊपर आक्रमण कर दिया। जैसे ही उन चौकियों के ऊपर आक्रमण हुआ, दोनों देशों के बीच में जंग का ऐलान हो जाता है, युद्ध छिड़ जाता है। अब जैसे ही भारत और पाकिस्तान का युद्ध छिड़ा 1965 में कच्छ के रण के ऊपर, ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री युद्ध के बीच में आ जाते हैं और मामला यूएनओ के अंदर चला जाता है। अब जैसे ही मामला यूएनओ के अंदर पहुंचा, कुछ समय के बाद में यूएनओ से आदेश आता है कि हिंदुस्तान भारत कच्छ के रण का 9,065 वर्ग किलोमीटर पाकिस्तान को दे। तो याद रखिएगा, उसके यूएनओ के आदेश के बाद में कच्छ के रण का 9,065 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र किसको दिया गया, पाकिस्तान को दिया गया। तो आपने याद क्या रखना है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य कच्छ का रण विवाद है। अब कच्छ का रण विवाद हो गया, रेडक्लिफ रेखा हो गई, उसके बाद में नाम आता है हमारे पास में जम्मू कश्मीर का, वह क्षेत्र जिसके ऊपर पाकिस्तान अधिकार जताता है, जम्मू कश्मीर का वह क्षेत्र जिसके ऊपर पाकिस्तान अधिकार जताता है, पीओके के नाम से जाना जाता है। ये जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है, पीओके के नाम से, पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से जाना जाता है। और ये जो सीमा रेखा है, इस सीमा रेखा को किस नाम से जानते हैं, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से। लाइन ऑफ कंट्रोल का निर्धारण कैसे हुआ था वो एक बार आप अवश्य देखें। देखिए, लाइन ऑफ कंट्रोल घटना है 3 दिसंबर 1971 की। 3 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान ने भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया।
अब जैसे ही भारतीय सेना को पता लगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तानी सेना एंट्री कर चुकी है, पाकिस्तानी सेना थी वो जम्मू कश्मीर के अंदर एंट्री कर चुकी है, काफी अंदर तक आ चुकी है, भारतीय सेना जम्मू कश्मीर के अंदर पहुंचती है और दोनों देशों के बीच में युद्ध छिड़ जाता है। दोनों देशों की सेना जहां पर है वहीं पर युद्ध छिड़ जाता है। लेकिन घटना है 16 दिसंबर 1971 की। 16 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने अपने लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी के नेतृत्व में इंडियन आर्मी भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। आत्मसमर्पण के बाद ही, उस युद्ध के बाद ही ये पूर्वी पाकिस्तान क्या बना था? बांग्लादेश बना था। बांग्लादेश बनाना अनिवार्य था क्योंकि पश्चिमी पाकिस्तान वाले लोग ये मांग करने लगे थे कि पश्चिमी पाकिस्तान में कोई भी इतना अमीर मुस्लिम नहीं है जो समुद्र के रास्ते से अपने पूर्वी पाकिस्तान जा सके, अपने दूसरे देश, अपने पड़ोसी मुल्क और अपने सगे संबंधियों से मिलने जा सके, इतना कोई भी अमीर मुस्लिम नहीं है। पश्चिमी पाकिस्तान वाले ये मांग करने लगे थे कि भाई साहब हमें भारत के बीचों बीच रास्ता चाहिए, हमें भारत के बीचों बीच अपने देश जाने के लिए रास्ता चाहिए, इस पश्चिमी पाकिस्तान में कोई भी इतना अमीर मुस्लिम नहीं है जो दूसरे देशों से होते हुए अपने सगे संबंधियों से मिलने जा सके। तो उसका कारण था कि भारत के बीचों बीच रास्ता चाहिए। वो पाकिस्तान ये चाहता था, पश्चिम पाकिस्तान, हमें भारत के बीचों बीच रास्ता चाहिए। लेकिन उस समय तत्कालीन भारत सरकार जो हुआ करती थी उसके अथक प्रयासों से कौन सा देश बना था? तो आपने याद रखना है, बांग्लादेश बना था। यदि बांग्लादेश नहीं बनता तो यूएनओ के ऑर्डर के आधार पर भारत को बीचों बीच से रास्ता देना पड़ता, ऐसा हो सकता था, हालांकि हुआ नहीं है, ऐसा हो सकता था कि यूएनओ का ऑर्डर आता तो उसके बाद में कुछ ना कुछ गतिविधियां होनी करनी पड़ती। लेकिन वो रास्ता भी ऐसा नहीं है कि एक नेशनल हाईवे वगैरह निकलवा दिया, वो रास्ता भी 16 मील, लगभग 16 मील चौड़ा मांग रहा था पाकिस्तान। पाकिस्तान वाले डिमांड करने लगे थे कि पश्चिमी पाकिस्तान में कोई भी ऐसा अमीर मुस्लिम नहीं है जो यहां से होकर जा सके समुद्र के रास्ते से या दूसरे देशों से होकर आ सके, तो हमें भारत के बीचों बीच रास्ता चाहिए। लेकिन 1971 के युद्ध के पश्चात पूर्वी पाकिस्तान कौन सा देश बन गया था? बांग्लादेश बन गया था और वो भारत सरकार के अथक प्रयासों से ही बना था। अब घटना 16 दिसंबर 1971 की हम बता रहे थे। 16 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने अपने लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी के नेतृत्व में भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अब जैसे ही आत्मसमर्पण किया तो भाई साहब दोनों देशों की सेनाएं, युद्ध विराम हो गया। अब युद्ध विराम हुआ तो दोनों देशों की सेनाएं जहां पर खड़ी है, रुकी हुई है, वहीं पर रुकी रही। लेकिन इससे, इसी के बीच में हम आपसे एक पॉइंट बता देते हैं, 1958 से लेकर 1973 तक पाकिस्तान के अंदर प्रधानमंत्री नहीं हुआ करता था। उस समय पाकिस्तान में सैन्य शासन था, राष्ट्रपति हुआ करता था। भारत और पाकिस्तान युद्ध के समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो थे, और याद रखिएगा भारत के प्रधानमंत्री उस समय इंदिरा गांधी हुआ करते थे। अब दोनों देशों की सेनाएं जम्मू कश्मीर के जिस क्षेत्र के अंदर थी उसी क्षेत्र के अंदर रुकी हुई है, और इसी युद्ध के पश्चात, देखिए युद्ध खत्म हुआ 3 दिसंबर, युद्ध खत्म हुआ 16 दिसंबर 1971 को, और इसी युद्ध के पश्चात अगले साल 28 जून 1972 के अंदर जुल्फिकार अली भुट्टो अपनी पुत्री के साथ में शिमला पहुंचे, शिमला के अंदर ठहरे। अब शिमला के अंदर जुल्फिकार अली भुट्टो ठहरे हुए थे, अचानक उसको पाकिस्तान से फोन आ गया कि आपको किसी कारणवश आना पड़ेगा, तत्कालीन आना पड़ेगा, कोई जरूरी काम है। तो 2 जुलाई 1972 के अंदर जुल्फिकार अली भुट्टो अपने देश वापस लौटे थे। लेकिन अपने देश लौटते समय जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के मध्य एक समझौता हुआ था। उस समझौते को किस नाम से जाना गया था? शिमला समझौते के नाम से जाना गया था। याद रखिएगा शिमला समझौता जो हुआ था वो शिमला समझौता का हुआ था तो 1972 के अंदर हुआ था। 1972 के अंदर हुए शिमला समझौते के तहत यह निर्धारित किया गया, पाकिस्तान के राष्ट्रपति की तरफ से आश्वासन दिया गया कि जहां पर दोनों देशों की सेनाएं रुकी हुई है उसी को हम नियंत्रण रेखा, युद्ध विराम रेखा मान लेते हैं। पाकिस्तान की तरफ से आश्वासन दिया गया कि आज के बाद में कभी भी उल्लंघन नहीं होगा, सीज फायर का उल्लंघन नहीं होगा, युद्ध से संबंधित जो भी नियम है उनका भी उल्लंघन नहीं होगा। लेकिन 1972 के बाद से ही युद्ध का उल्लंघन, युद्ध नियमों का उल्लंघन और सीज फायर का उल्लंघन होता आ रहा है। इस प्रकार का आश्वासन पाकिस्तान की तरफ से दिया गया,
लेकिन उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इन सभी बातों को मान लिया कि ठीक है पाकिस्तान जो कह रहा है उसको हम मान लेते हैं, और इन्हीं के बीच में शिमला समझौते के तहत एलओसी का निर्धारण किया गया था, आश्वासन को माना गया और उसके बाद में इसी रेखा को युद्ध विराम रेखा एलओसी मान लिया गया, और ये एलओसी रेखा जमीन पर हकीकत में नहीं खींची हुई है। एलओसी रेखा का जिक्र करें तो जमीन पे हकीकत में नहीं खींची हुई है, ये रेखा एक मानी गई रेखा है जो शिमला समझौते के तहत 1972 में मानी गई थी। लेकिन इसी रेखा जब शिमला समझौता हुआ 1972 में, तो इस शिमला समझौते के तहत जो रेखा खींची गई एलओसी, उस एलओसी के उत्तर दिशा के अंदर एक ग्लेशियर आता था, सियाचिन ग्लेशियर। पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने उस समय कहा था कि ये सारा क्षेत्र बंजर है, यहां पर कोई भी जनजाति या कोई भी मानव यहां पर निवास नहीं कर सकता है, क्योंकि यहां पर पूरे साल बर्फबारी अत्यधिक मात्रा में होती है सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर। आप देख लीजिएगा इस क्षेत्र के अंदर जो ये ग्लेशियर पड़ता है, ये ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। इसके ऊपर कोई भी फैसला नहीं हुआ था कि कितने परसेंट हिस्से के ऊपर पाकिस्तान का अधिकार है और कितने परसेंट हिस्से के ऊपर भारत का अधिकार है, यह फैसला नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही एलओसी का निर्धारण हुआ 1972 के बाद में, इसके ऊपर पाकिस्तान ने अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर पाकिस्तान ने अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया, और भारत की नजर तो तब पड़ी जब 1984 के अंदर जापान के कुछ पर्यटक बर्फ पर स्केटिंग करना चाहते थे और वो पाकिस्तान में घूमने के लिए आए थे। पाकिस्तान से परमिशन ली कि क्या हम इन पहाड़ी चोटियों पर या जो ग्लेशियर है इसके ऊपर स्केटिंग वगैरह कर सकते हैं, तो पाकिस्तान ने भारत के अधिकार में भी जो चोटियां थी, देखिए सियाचिन ग्लेशियर को छोड़कर भारत के अधिकार में भी जो चोटियां थी उनके ऊपर भी घूमने का आदेश दे दिया। सियाचिन ग्लेशियर तो था ही था जिसके ऊपर घूमने का आदेश दिया, और दूसरा जो भारत के अधिकार में भी जो चोटियां हुआ करती थी, जो ग्लेशियर हुआ करते थे, उनके ऊपर भी घूमने का अधिकार दे दिया। उस समय इंडियन एयरफोर्स की नजर इनके ऊपर पड़ी थी। इंडियन एयरफोर्स ने 3 अप्रैल 1984 में एक ऑपरेशन चलाया, उस ऑपरेशन का नाम हुआ करता था ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत 3 अप्रैल 1984 में चला और 16 अप्रैल 1984 तक चला था। 16 अप्रैल 1984 में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा सियाचिन ग्लेशियर को अपने कब्जे में लिया गया, और सियाचिन ग्लेशियर के 2/3 हिस्से के ऊपर भारत अधिकार जताता है और 1/3 हिस्से के ऊपर कौन अधिकार जताता है, पाकिस्तान। सियाचिन ग्लेशियर की जो अधिकतर ऊंची चोटियां है, सियाचिन ग्लेशियर की जो अधिकतर ऊंची चोटियां है उनके ऊपर अधिकार कौन सा देश जताता है, तो आप याद रखिएगा भारत उनके ऊपर अधिकार जताता है। तो ये सभी चीजें याद रखिएगा, आपने याद रखना है एलओसी विवाद और सियाचिन विवाद, रेडक्लिफ विवाद और कच्छ का रण विवाद कौन से दो देशों के मध्य है, तो आप याद रखिएगा भारत और पाकिस्तान के मध्य है। तो ये चीजें याद रखिएगा। उसके बाद में कल हमने सेकंड क्वेश्चन आपसे बताया था कि भारत के साथ में सबसे छोटी इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन कौन सा देश बनाता है, भारत के साथ में सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा कौन सा देश बनाता है, तो याद रखिएगा अफगानिस्तान। ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र है भैया अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान और भारत के बीच में कल हमने आपसे बताया था डोरंड रेखा है, और इस डोरंड रेखा का अस्तित्व में कब आई थी, 1896 के अंदर। अफगानिस्तान जिसके चारों तरफ देश लगते हैं, अफगानिस्तान जिसके चारों तरफ लैंड का पार्ट है, अफगानिस्तान सबसे लंबी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है वो पाकिस्तान के साथ में बनाता है। डोरंड रेखा अफगानिस्तान के पश्तून, डोरंड रेखा अफगानिस्तान के पश्तून और पाकिस्तान के बलूचिस्तान वगैरह से गुजरती है। डोरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी, लेकिन ये डोरंड रेखा वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, पीओके और अफगानिस्तान के बीच में है। यदि आप कोई भी नई बुक देखेंगे तो उसमें भी इसका जिक्र अवश्य मिलेगा कि डोरंड रेखा वर्तमान में किस किस के मध्य है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य, पीओके और अफगानिस्तान के मध्य पड़ती है। वरना ये तो सभी को पता ही है कि डोरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के मध्य 1896 में खींची गई थी, लेकिन 1896 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही हुआ करता था। 1972 में पीओके बना है और उसके बाद में ये रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य हुई है। ये डोरंड रेखा हिंदू कुश पर्वतमाला के मध्य से गुजरती है,
लेकिन डूरंड रेखा का निर्धारण कब, कैसे और किसके नेतृत्व में हुआ था वो देखें एक बार। तत्कालीन अफगानी अमीर अब्दुल रहमान, तत्कालीन अफगानी अमीर अब्दुल रहमान और ब्रिटिश सरकार के तत्कालीन सचिव सर जॉन डूरंड के नेतृत्व में एक समझौता हुआ और उसी समझौते के तहत 1893 में, ना कि 1896 में, 1893 के अंदर सर जॉन डूरंड के नेतृत्व में और अफगानी सरकार की तरफ से अफगानी अमीर अब्दुल रहमान के बीच में 1893 में एक समझौता हुआ। उसी समझौते के तहत एक रेखा खींची गई, बाद में इस रेखा को सर जॉन डूरंड के नाम पर ही इसका नाम रखा गया था। 1893 में एक समझौता हुआ, लेकिन यह समझौता काफी विवादों का विषय रहा है भारत और अफगानिस्तान के मध्य। कुछ लोग ये समझौता ऐसा बताते हैं कि इस समझौते की मियाद 100 साल थी। कहने का तात्पर्य है, ये जो समझौता हुआ था भारत और अफगानिस्तान के बीच में 1893 के अंदर, कुछ लोग बताते हैं कि इस समझौते की मियाद 100 साल थी जो 1993 में समाप्त हो चुका है। कुछ लोग ऐसा भी बताते हैं कि ये जो समझौता है ये ब्रिटिश सरकार के साथ में हुआ था जो 15 अगस्त 1947 में समाप्त हो गया। कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि जब तक अफगानी अमीर जिंदा था उसके साथ में ये समझौता हुआ था, जैसे ही अफगानी अमीर की डेथ हुई ये समझौता भी समाप्त हो गया था। तो आपने याद रखना ये सभी चीजें कि भारत और पाकिस्तान के मध्य रेडक्लिफ रेखा और भारत और अफगानिस्तान के मध्य डूरंड रेखा होती थी जो वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच के अंदर पड़ती है। तो ये सभी चीजें याद रखिएगा। उसके बाद में नाम आता है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का। पाकिस्तान के पॉइंट की बात करें, सॉरी चीन, पाकिस्तान में चीन का नाम आता है। चीन, चीन भारत का एक पड़ोसी मुल्क है और ये जो सारा क्षेत्र है ये तिब्बत का है और तिब्बत के ऊपर अधिकार कौन सा देश जताता है? चीन अधिकार जताता है। देखिए ये सभी चीजें शायद आपको अवश्य ही काफी मात्रा में अपर लेवल तक लेकर जाएगी। आपको सीडीएस वगैरह का जो लेवल है, यूपीएससी वगैरह का जो लेवल है, उस लेवल तक लेकर जाएगी। आप इन चीजों को अवश्य देखें। यदि आप इन चीजों को लिखते भी नहीं है तो एक बार वीडियो को फिर से आप देख ले, अवश्य ही हम आशा करते हैं कि आपको ये चीजें याद हो जाएगी। देखिए अब पहले पाकिस्तान का जिक्र किया, उसके बाद में अफगानिस्तान का, अब नाम आता है कौन से देश का? चीन। भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है, इस रेखा को किस नाम से जानते हैं? तो आप याद रखिएगा, मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। मैकमोहन रेखा जो हमने कल बताया था, जो 27 अप्रैल 1914 के अंदर मैकमोहन रेखा खींची गई थी। भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा 27 अप्रैल 1914 में खींची गई। देखें मैकमोहन रेखा के बारे में, तत्कालीन ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के मध्य एक शिमला समझौता हुआ। देखिए हम तिब्बत के मध्य बात कर रहे हैं ना कि चीन के मध्य। तत्कालीन ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के मध्य 1914 में एक शिमला समझौता हुआ। उस शिमला समझौते के तहत एक रेखा खींची गई, लेकिन तिब्बत और भारत के बीच में जो सीमा रेखा खींची गई थी उस सीमा रेखा के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका किसने अदा की थी? तो याद रखिएगा, तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के विदेश सचिव सर जॉन मैकमोहन ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी इस रेखा को खींचने में। उसी के नाम पर इस रेखा का नाम रखा गया है। तो आप याद रखिएगा, सर जॉन मैकमोहन 1914 के अंदर ब्रिटिश सरकार के अंदर एक विदेश सचिव हुआ करते थे जो इस भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा खिंचवाने में महत्वपूर्ण कार्य करते थे, उसी के नाम पर इस रेखा का नाम रखा गया है। लेकिन याद रखिएगा, 1914 के बाद में ये रेखा काफी विवादों से घिर चुकी थी और 1935 में अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी ओल्फ कैरो, याद रखिए अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी ओल्फ कैरो ने ब्रिटिश सरकार के सामने प्रस्ताव रखा कि जो 1914 में ये रेखा खींची थी इसको आधिकारिक तौर पर लागू किया जाए। तो ये आप चीजें अवश्य ही याद रख सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट है, याद रखिएगा, भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा जो 27 अप्रैल 1914 में खींची गई थी, मैकमोहन कौन थे? तो आपने याद रखना, तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के विदेश सचिव हुआ करते थे सर जॉन मैकमोहन। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं। लेकिन उससे पहले हमने कल आपसे एक पिछली वीडियो में क्वेश्चन पूछा था कि भारत का सबसे पूर्वी स्टेट अरुणाचल प्रदेश है, भारत का सबसे पूर्वी स्टेट अरुणाचल प्रदेश है, और उसमें हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथू या वालांगू है, ये एक ही जगह का नाम है, किबिथू अथवा वालांगू, जो 97 डिग्री 25 मिनट के ऊपर स्थित है। आप यदि पूरी वीडियो देखते हैं, ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर मांगे, आप क्वेश्चन करें, हम आपका आंसर अवश्य ही देंगे। देखिए, पढ़ना आपकी मजबूरी है और आपको पढ़ना ही पड़ेगा और पढ़ने से ही सफलता मिलेगी, ये सभी भली भांति इस चीज से आप वाकिफ है। यदि आप जल्द पढ़ लेंगे तो सफलता जल्द मिल जाएगी, और यदि आप लेट पढ़ेंगे तो ध्यान रखना लिस्ट में नाम बहुत मुश्किल से आता है। जब कोई भी मेरिट लिस्ट लगती है ना, तो उसमें जिसका नाम आता है वो देख लेना कि दिन रात मेहनत की है उसने। यदि आप पहले पढ़ लेंगे तो आपका जल्द भला हो जाएगा, और यदि लेट पढ़ेंगे तो शायद क्या पता भला हो भी जाए, और क्या पता आपको भी मालूम है। तो याद रखिएगा, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये सीमा विवाद से संबंधित फर्स्ट वीडियो है। कल हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सीमा विवाद से संबंधित दूसरी वीडियो लेकर आएंगे, उसके बाद में दूसरी वीडियो के अंदर क्लियर हो जाता है तो अच्छी बात है, वरना सीमा विवाद से संबंधित हम तीसरी वीडियो भी उतारेंगे। आज सीमा विवाद में जिक्र हुआ है भारत पाकिस्तान, भारत अफगानिस्तान, भारत और चीन का, और जो बाकी का विवाद है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।